निषाद समाज के आरक्षण को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा निकाली गई संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरिहट गांव में बैठक की गई। बैठक में निषाद विकास संघ और बीआईपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता सुवर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेक सिंह ने किया। आइए सुनते हैं इस तैयारी को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने क्या कहा। निषाद आरक्षण एवं संकल्प यात्रा को लेकर के आप लोग तैयारी में जुटे हैं, क्या कहेंगे आप? वीआईपी सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी 25 जुलाई को पटना से निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के सिलसिले में 101 दिन के लिए बिहार, यूपी और झारखंड में यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी के संदर्भ में 18 एवं 19 तारीख को रोहतास जिला में रथ का आगमन होने जा रहा है, उसी के तैयारी के संबंध में आज की यह बैठक रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निषाद जाति जो है आज इसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है पूरे देश के अंदर कि अगर आप देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग से भी इनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। ऐसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रावधान किया है, जो लोग समाज में पिछड़ गए हैं सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वैसे लोगों को समाज के मुख्य धारा के लाने के लिए वैसे लोगों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हमारी आज मांग है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि हमारी बात को सुने, निषाद को सुने और समझें और हमें भी ST और SC का आरक्षण देने का कृपा करें। क्या नाम है आप? लल्लू चौधरी, VIP प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम लोग दरिहट गांव में बैठक लिए बैठे हुए थे। 18 तारीख को हमारे सुप्रीमो संकल्प यात्रा लेकर टाउन हॉल डेहरी में आ रहे हैं, उसी की तैयारी के लेकर आज हम लोग दरिहट गांव में जुटे हुए थे। वहां हम लोग यहां से दल बल के साथ वहां पहुंचेंगे। कितना असर पड़ेगा सरकार पर इस संकल्प? बहुत असर पड़ेगा, अभी से ही असर दिखने लगा। लगभग कितने लोगों की जुटान होगी वहाँ? और टाउन हॉल में देखिएगा, हम लोग कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में आदमी वहाँ से जुटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजू चौधरी, VIP पार्टी, नगर अध्यक्ष, डेहरी। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के संकल्प यात्रा है, उसकी तैयारी के लिए आप लोग जुटे हुए, क्या कहेंगे आप? हमारे मुकेश साहनी जी के नेतृत्व में, क्योंकि पटना से फूलन देवी के शहादत दिवस मनाकर जो संकल्प यात्रा निकला हुआ है, पूरे रोहतास जिला के जितने भी VIP पार्टी के और निषाद समाज के और भी दूसरे समुदाय के वर्ग के मुकेश साहनी के विचारधारा को लेकर सबको ही 18 को सभी लोग जन सलाह लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं। उसी के माध्यम के लेकर आज दरिहट में मीटिंग रखा गया था कि कैसे सफल बनाना है। 18 तारीख को पूरे हम लोग सभी वर्ग के लोग उनके विचारधारा को, संकल्प यात्रा को सफल बनाने में। संकल्प यात्रा से सरकार पर कितना दबाव बनेगा? काफ़ी दबाव बनेगा, जो कि हमारे आरक्षण की मांग है। पहले आरक्षण, उसके बाद बात किया जाएगा किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। क्या नाम आप? गांधी चौधरी, जिला पार्षद सह मुखिया, बिहार प्रदेश सचिव। देखिए, संकल्प यात्रा हमारे रोहतास जिले में 18 तारीख को प्रवेश करेगी, जो कि आपको रूप में थोड़ा सा हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि सबराबाद से शुरू होगी, सबराबाद से सागर से शुरू होगी, वहाँ से फिर आपको रायपुर चोर जाएगी, रायपुर चोर से ताराचंडी के रास्ते तिलौथू सरैया में प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद में आपको रसूलपुर रोहतास में प्रोग्राम होगा, उसके बाद लास्ट जो प्रोग्राम है 18 तारीख का वो हमारे नवहट्टा में होगा, और 19 तारीख को शुरू सुबह मॉर्निंग में हमारा डिहरी में प्रोग्राम होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं कि हमारा जो एक कार्यक्रम है, जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है, वो पूरे बिहार प्रदेश में जो यहाँ रोहतास का जो कार्यक्रम हो सबसे अच्छा हो, सबसे ज़्यादा भीड़ जुटे, सबसे ज़्यादा लोग संकल्पित हो, इसलिए हम लोग जुटे हुए हैं। इस तरीके से हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो माननीय श्री मुकेश सहनी जी संकल्पित करा रहे हैं, तो उससे हमको, हम लोगों को, सबको उम्मीद जगी है
कि आने वाला समय में इस समाज का विकास होगा, अगर वो संकल्पित हो जाएंगे तो जिधर हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो आदेश करेंगे उधर सब लोग अपने मत का प्रयोग करेगा और आने वाला समय में एक दिन ऐसा होगा कि एक निषाद समाज से बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। क्या नाम है? विवेक कुशवाहा, जिला अध्यक्ष, वीआईपी पार्टी रोहतास। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के संकल्प यात्रा की तैयारी में आप लोग जुटे हैं, क्या कहेंगे आप? आज तक जो निषादों के साथ दुर्व्यवहार हर सरकार करते आई है उसको धरातल पे लाने के लिए ये संकल्प यात्रा हो रहा है, जिससे कि काफी लाभ होने वाला है। और आरक्षण तो जिस हिसाब से हमारे निषाद समाज के लोग उत्सुक हो रहे हैं और अपने वोट को नहीं बेचने के लिए संकल्प ले रहे हैं, और हम पूरे बिहार में ये देख रहे हैं, चूंकि उत्तरी बिहार भी हम गए थे, वहाँ भी देखे कि जो उल्लास निषाद समाज में है अपने सुप्रीमो मुकेश साहनी के लिए कि अब हमें आरक्षण तो मिल ही जाएगा और सरकार भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है, तो काफ़ी लाभ होने वाला है इससे। आपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से निषाद समाज नदी से मछली निकाल लेते हैं, उसी तरह से हम लोग संविधान में इसमें रहते हुए कायदे के अनुसार आरक्षण ले लेंगे, तो कितना ये प्रभाव डालेगा संकल्प यात्रा? ये संकल्प यात्रा निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, जिससे कि सरकार हर तरह से मजबूर हो जाएगी इनको आरक्षण देने के लिए। कार्यकर्ताओं के लिए क्या अपील है? कार्यकर्ताओं के लिए हमारा एक ही संदेश है कि तन मन धन से अपने हमारे ये संकल्प यात्रा में साथ दें और अपने सुप्रीमो को बल दें, जिससे कि उनको आरक्षण जल्द से जल्द मिल सके। क्या नाम है? विवेक सिंह, स्वर्ण प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।